हेलो गाइस, तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कोर्ट में और यहाँ पर एक मेला लगता है जो हर संडे लगता है। लगभग चार या पांच संडे होते हैं उसमें लगता है। और यहाँ बिजनौर के आसपास के एरिया में ये प्रथा है कि यहाँ पर जो कोर्ट का देवता है वो बहुत फेमस है। वहाँ पर सब लोग शादी के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं और जब बच्चे बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको यहीं पर लेकर के आया हूँ इस मेले में और आपको दिखाऊंगा कि कैसा मंदिर है, कैसा मेला है, सब कुछ। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। मैं इस समय जिस रोड पर खड़ा हूँ ये नगीना से कोटद्वार तक जाने वाली रोड है जहाँ पर प्राइवेट बसें अपनी सर्विस देती हैं। तो इसी रोड पर रायपुर से लगभग 3 किलोमीटर के बाद में यानी कि नगीना से लगभग 19 किलोमीटर पे एक गांव पड़ता है कोट कादर, और उसी गांव में ये मेला लगता है। यहाँ पर जो मेला लगता है और जो यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है वो 5 संडे चढ़ाया जाता है पूरे साल में, जिनमें एक संडे होता है ज्येष्ठ महीने का या जिसको हम जेठ महीना बोलते हैं, और जो बाकी के 4 संडे होते हैं वो होते हैं आषाढ़ महीने के। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो हिंदी महीनों के आधार पर चलता है, ना कि इंग्लिश महीनों के आधार पर। अगर हम बात करें नॉर्मली तो ये मई जून का समय होता है जब यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। रोड पर अगर आप सवारी से आते हैं तो वहाँ उतरने के बाद में आपको लगभग 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद हालांकि आपको 10-20 कदम पे ही जो मेला है उसकी शुरुआत दिख जाएगी, दुकानें आपको वहाँ पर लगी हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। बस पार्किंग आपकी बाहर है, आप बाहर गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपनी, आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी। 20 रुपीज़ बाइक की पार्किंग है और 50 रुपीज़ यहाँ पर कार की पार्किंग है। मुझे पता है कि थोड़ी सी महंगी है बट यहाँ पर हम कर भी कह सकते हैं, अब जो है तो वो ऐसा ही है। दूसरी एक और बात मुझे यहाँ पर समझ आई कि अगर आपको प्रसाद लेना है और जो सामान लेना है चढ़ाने के लिए वो आप बाहर से ना लेकर के अंदर से लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर आपको तुरंत बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट में मिलते हैं और अंदर आपको जब मंदिर के पास में आ जाते हो तो वहाँ पर आपको सस्ते दामों में ही वो प्रसाद मिल जाता है। ये कहानी तो लगभग हर मंदिर की है तो यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है बिजनौर के, लगभग हर एरिए के यहाँ पर जो भी गांव हैं वहाँ से शहर से लोग आते हैं। आपको मंदिर का नाम दिख रहा होगा, श्री कल्याणमल देवता मंदिर। ये एक बाग में स्थित है, गांव के थोड़ा सा बाहर चल करके एक बाग है, वहाँ पर लोग यहाँ पर कुंडारे भरते हैं। कुंडारे क्या कि करवे में कुछ पुए भरे जाते हैं, प्रसाद भरा जाता है जिसमें परवल होते हैं और क्या होता है जो बतासे होते हैं उनको रख के यहाँ पर पानी वगैरह चढ़ाया जाता है और यहाँ पर उनके जो पूजा है वो की जाती है कल्याणमल देवता जी की। तो वो सामने का मेन मंदिर है और यहाँ पर ही जितनी भीड़ है बहुत ज़्यादा भीड़ है और लगभग हर संडे यहाँ पर भीड़ ऐसी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर इस जो प्रोसीजर है केवल संडे टू संडे ही चलता है। तो ये पूरा ब्लॉग था हमारा कल्याणमल देवता मंदिर का, आपको कैसा लगा? हालांकि भीड़ अभी भी काफ़ी है, बाकी और 4 संडे आने बाकी हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए।